आपने छोटे बच्चों को अक्सर चौक, मिट्टी, यहाँ तक कि दीवार में पेंट को खुरच के खाते हुए देखा होगा। कई बार कहने के बाद भी बच्चे इस आदत को नहीं छोड़ते। क्या आपको पता है कि बच्चे आखिर मिट्टी या चौक क्यों खाते हैं? आपको इसके पीछे की वजह जानकर बहुत ही हैरानी होगी। मिट्टी खाने की यह समस्या न सिर्फ बच्चों में है बल्कि बड़ों में भी देखी जाती है। हालांकि यह समस्या 1 से 7 साल के आसपास के बच्चों में ज़्यादा होती है। दरअसल बच्चों में कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्वों जैसे आयरन, जिंक आदि की कमी के कारण ही मिट्टी जैसे अजीबोगरीब चीज खाने की इच्छा पैदा होती है। छोटे बच्चों में मिट्टी खाना खून की कमी की निशानी है। इसका कारण खुराक में सिर्फ दूध का ही होना हो सकता है। हर चीज में दूध का मिश्रण होने से बच्चों में खून की कमी हो जाती है। बच्चों की खुराक में अनाज, दाल, सब्जी की कमी होने से भी यह दिक्कत आती है। दरअसल बच्चों के मिट्टी खाने के पीछे की वजह पीका ईटिंग नामक एक विकार होता है। इसे यह नाम एक पक्षी के नाम पर मिला है जो कुछ भी खाने के लिए मशहूर था। कुपोषण को बच्चों में पीका का एक वजह माना जा सकता है। कुछ बच्चों में मिट्टी खाने की आदत ऑटिज्म नाम की बीमारी की वजह से भी हो जाती है। बीमारी में बच्चों का मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ रहता है। हालांकि कभी कभार बच्चे ऐसा सिर्फ जिज्ञासा की वजह से भी करते हैं। आसपास के वातावरण को समझने के लिए हर चीज को मुंह में डालकर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी यह आदत छूटती चली जाती है।